जो लगन है, आपका जो मोटिवेशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो सच में काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि पिछले एक साल में जो नगर निगम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, उनको जिस सकारात्मकता के साथ आप सभी ने स्वीकार किया है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी एक पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं तो हम उसी में ढल जाते हैं। उसके बाद उसमें कोई बदलाव आता है तो इन जनरल रेजिस्टेंस आता है। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप सभी ने बड़े सकारात्मक मन से उस बदलाव को स्वीकार किया, और आप लोगों की ये जो मेहनत है, आपकी क्रिएटिविटी है, उसका ही परिणाम है कि हम एक्सेलेंस के लेवल पे अच्छा कर सके हैं। जहाँ जबलपुर लास्ट ईयर अप्रैल में जो करीब 45% थे, वो फरवरी मार्च में आके करीब 5% बचे थे। तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस। और बाकी लोग तो केवल मॉनिटर कर सकते हैं, इसको करने वाला, ग्राउंड पे जीने वाला वो शिक्षक ही है। तो असली जो बधाई के हकदार हैं, उन जो बच्चों की लाइफ को आप लोग सेव कर रहे हैं, वो आप ही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के विभिन्न दोनों के जो टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे भिन्न प्रकार के अपने प्रोजेक्ट्स लाए हैं। ये इस विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जा रही है। ये घर घर दफ्तर, इसके बारे में बताइए कुछ। कौन से स्कूल से हैं आप? ये हमने हर घर डॉक्टर इसलिए बनाया गया क्योंकि कोविड के दौरान हम सब ने देखा था कि इस तरह महामारी के दौरान हम सबको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो अब हम लोग चाहते हैं कि सब चीज़ें बच्चे भी सीखें कि हमारा इलाज हमारे ही हाथ में है, और ये सब चीज़ें हमारे पास घर में मौजूद है। जैसे क्या? जैसे कि हल्दी है, चोट लगने पे हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी है, एसिडिटी बढ़ती है, मसाले वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, हर एक घरेलू जो चीज़ें हैं घर में जो किचन में होती हैं, उसके ज़रिए भी इलाज यहाँ पर किया जा सकता है, दर्शाया गया है। ये मात्रिक शब्द, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। ये जो अक्षर है, ये स्वर, इससे कोई भी अच्छा अच्छा बना सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शब्दों का ज्ञान इसे कौन से स्कूल से आप? सर, एमसीडी प्राइमरी स्कूल फ्रॉम अशोकनगर फर्स्ट। क्या दिखाना चाहते हैं आप? क्या सर? ये है भारत के स्वतंत्रता सेनानी, जैसे कि अभी हमारी थीम चल रही है जी, मेरी माटी मेरा देश। हाँ। तो सर ये उसी के लिए है। बच्चों को सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा थ्रू दिस चार्ट। देन सर उनके लिए एक एक्टिविटी है, दे कैन ड्रॉ दिस एंड दे कैन मैच द पिक्चर विद देयर नेम एंड देयर डिटेल्स। ठीक है। आफ्टर मतलब देन द टीचर विल इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ देम। सर आपका? मेरा नाम मंदीप। कहाँ से आए सर? बाप डोला जय भैया जी। क्या सिखा रहे हैं सर बच्चों को? बच्चों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है सर, ये कैसे बताइए कुछ। ये देखिए मॉडल बनाया हम लोगों ने। जी जी बिल्कुल। जब मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूरज की किरणें वो चंद्रमा पर नहीं जाती है, इसे चंद्रमा से रुक जाती है, पृथ्वी पर अच्छा किरणें नहीं जा पाती, तो ये सूरज ग्रहण होता है जी। ठीक है सर, हम इसको वापस घुमा के दिखाएंगे। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है,
परछाई से चंद्रमा ढक जाता है, सूर्य की किरण यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो इससे चंद्र ग्रहण होता है सर। ठीक है सर, अब ये यहाँ पे बच्चों को ये भी दिखाएंगे कि सूर्य की किरण जिस साइड पृथ्वी पर आती है उस साइड दिन होता है, बाकी पीछे की साइड रात होती है। जब पृथ्वी मतलब हमारी घूमती है तो ये साइड घूम के इधर आ जाती है, जो देश में दिन हो जाता है उधर रात हो जाती है। ठीक है, ये भी दिखाएंगे सर। इससे एक महीना पूरा कैसे बनता है, जब चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है 28 दिन में घूमता है, तो इससे सर एक महीना बनता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत स्कूल से मंगोलपुरी S2। हाँ जी बताइए। सर ये डिवीजन मशीन है, इस मशीन के थ्रू हम बच्चों को खेल खेल में भाग करना सिखा सकते हैं जी। इस मशीन को हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, ये डिविडेंड पोर्शन है, क्वेश्चन पोर्शन है, एंड ये प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पोर्शन है जी। सबसे पहले हम बच्चे को बोलेंगे कि आप एक प्रॉब्लम कार्ड पिक करो, 17 / 3, इट मीन्स हमारे पास टोटल 17 स्टिक्स हैं और उसको हमें 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं। तो बच्चा क्या करेगा, पहले 3 स्टिक्स पिक करेगा और उससे एक ग्रुप बनाएगा, देन वो 3 स्टिक्स और पिक करेगा, देन सेकेंड मोर 3 स्टिक्स एंड थर्ड ग्रुप, देन 3 स्टिक्स मोर एंड फोर्थ ग्रुप, एंड देन 3 स्टिक्स एंड फिफ्थ ग्रुप। नाउ जब वो 17 तक पहुँचेगा तो उसके पास ये 2 ही स्टिक्स बची हैं, इससे हम 3 का ग्रुप नहीं बना सकते। सो दिस इज आर रिमाइंडर, 2 स्टिक्स रिमाइंड, 2 इज आर रिमाइंडर, एंड टोटल ग्रुप दैट वी हैव फॉर्म दिस 5, सो 5 इज आर क्वेश्चन। सो बच्चे को ये समझ आ जाएगी, आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। आप कौन से स्कूल से? सर शिक्षा के स्कूल साउथ ऑफ। सर बच्चे को यहाँ पे इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट काइंड स्टेट्स, उसकी कौन सी स्टेट की कौन सी राजधानी है, उसका डांस, उसकी लैंग्वेज के बारे में अच्छा चाह रहे हैं। जैसे बच्चा इसको रोड करेगा, सपोज कीजिए बच्चा गया यहाँ अरुणाचल प्रदेश पे, तो यहाँ पे हम बच्चे को बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है, जो यहाँ की भाषा है अंग्रेजी और यहाँ का जो डांस है वो भुया है। प्लस हमने इसको कोरिलेट किया है, इसके साथ हमने जोड़ा है GI टैग्स, जो एक GK का एक टॉपिक है, जो आजकल L4 और 5 को हमें बताया गया है कि GK भी इंट्रोड्यूस करना है, तो हम यहाँ पे बच्चे को GI टैग के बारे में बताएंगे। दिस इज़ अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये उन चीज़ों को दिया जाता है जो किसी स्पेसिफिक रीज़न में ही प्रो की जा सकती है और किसी और जगह पर उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। हर कोई तो इसमें चांद पर नहीं जा सकता ना सर, तो हमने अपने मॉडल के द्वारा चांद का सबको सारा दिखाया, और मिशन चंद्रयान की सर अभी अभी सक्सेसफुल भी हो गया है, जब सर नीचे स्क्रीन दे रहे थे तो पीछे आप देख सकते हैं चंद्रयान है, इसको पूरा बनाया गया है, TLMG बहुत सुंदर बनाया है। क्या है, कैसे क्या दिखाना चाहते हैं आप, क्या सिखाते हैं इसके थ्रू बच्चों को आप? सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का असेसमेंट टूल है, अच्छा है। इसमें बच्चे से हम बोलेंगे स्पीच करो, मूव करने के बाद जो भी इसका आता है ठीक। हाँ स्कूल का नाम क्या है? यहाँ पे गिलास अच्छा अच्छा, ये मतलब एक तरीका है बच्चों को मात्राओं से अवगत कराने, तो ये आपने कराते हैं अपने स्कूल से? कौन से स्कूल से हैं आप? मुबारकपुर से। Thank you.
आप कौन से स्कूल से? श्रीनिवासपुर। विलोम शब्द? यस सर, ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए लेवल फोर एंड फाइव के लिए बनाया गया है, जिसमें विलोम शब्द जी, ताकि बच्चे कलरफुल कलर से भी अट्रैक्ट हों और थोड़ा उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो सके इसके थ्रू। और ये व्याकरण शब्द। बहुत बढ़िया। आप कौन से विद्यालय से? सर मैं जगतपुरी मंडोली रोड शादरा नॉर्थ जोन। लेवल वन और लेवल टू बच्चों के लिए, और जैसे कि हमारा एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो हमें CWSN बच्चों और लेकरों बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाना है, तो मैंने उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए ऐसा TLM तैयार किया है कि हमारे CWSN बच्चे भी पढ़ पाए। और जैसे ये काउंटिंग है, यहाँ पर वन काउंट है, यहाँ पर वन है, और यहाँ पर हम बच्चों को दिखाएंगे वन फ्लैश कार्ड ऑफ वन, यहाँ पर वन काउंट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.